हे गाइस, कैसे हैं आप? अगर आप भी अपने बालों की ग्रोथ को 4 टाइम्स फास्टर करना चाहते हैं तो आपको इस रेमेडी को यूज़ करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो बालों की जो समस्याएं होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। किसी के बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, किसी के पतले होते हैं, किसी के में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होती है, किसी के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। तो बालों की जो समस्याएं हैं उसको बचने के लिए हमें उसकी देखभाल करनी पड़ती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि बाल किस टाइप के होते हैं। उसमें प्रोटीन होता है, कैरेटीन होता है और सल्फर होता है। इससे ही बाल बने होते हैं। अगर उनमें प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें डैंड्रफ हो जाती है। तो हम विभिन्न तरह के तेल, शैम्पू, जेल यूज़ करते हैं जिससे काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो घरेलू उपाय से भी हम अपने बालों की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा और यूज़ भी किया होगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव है, मैंने भी यूज़ किया है, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने ऐसे ही घर पर आदिवासी हेयर ऑयल बनाया है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो ये है करी लीव्स, जिंजर, अनियन और मस्टर्ड ऑयल, और साथ में थोड़ा सा मैंने लिया है रतन जो। चलिए वीडियो बनाने स्टार्ट करते हैं। तो प्याज ले लेते हैं। इसमें काफ़ी मात्रा में सल्फर होता है जो बालों को टूटने और पतला होने से बचाता है। एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो बालों को सफ़ेद होने से रोकता है, और इसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं जो बालों को झड़ने से भी रोकते हैं। अब हम लेते हैं अदरक। अदरक में एक सिलिकॉन नामक कार्बनिक यौगिक होता है जो बालों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। बालों के विकास को बढ़ावा देने और बालों को झड़ने को नियंत्रित करने के अलावा करी पत्ता बालों के तंतुओं को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन बी और बीटा कैरेटिन बाल शाफ्ट की गुणवत्ता में सुधार करते हैं और बालों के स्वास्थ्य और चमक को बढ़ाते हैं। करी पत्ते से सिर की खुजली भी दूर होती है, रेडनेस भी दूर होती है और डैंड्रफ की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम ले लेते हैं और एक ग्राइंडर में डालकर उसको और थोड़ा सा पानी डालकर उसको पेस्ट बना लेते हैं। अब हम इसको किसी पैन में या किसी भी बर्तन में निकाल लेते हैं। सरसों का तेल एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम जैसे मिनरल से भरपूर होता है और इसमें विटामिन ए, डी, ई और के भी होता है। ये सभी तत्व बालों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। रतनजोत बालों की ताकत बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित हुआ है, क्योंकि रतनजोत एक प्राकृतिक हेयर कलर है जो आपके बालों के लिए सुरक्षित होता है और इसका आपके स्वास्थ्य पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बालों को झड़ने से रोकता है और गंजेपन के लक्षणों को दूर करता है। अब हम इसको पका लेते हैं। तो अब आपको इसको बहुत ही सिम गैस पर पकाना है, हीट कम होनी चाहिए और थोड़ा सा रतनजोत मैंने और डाल दिया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठीक सा कलर चाहिए था। तो गाइस, जिंक और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व जब कम हो जाते हैं तो बालों में झड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो अदरक इस भूमिका को अच्छी तरह से निभाता है और जिंक और मैग्नीशियम की पूर्ति को करता है और बालों को स्वस्थ और सुंदर भी बनाता है। अब चलिए ये देखिए, हमारा जो हेयर ऑयल का कलर है रेड हो गया है, काफ़ी अच्छा कलर आया है और ये जला भी नहीं है। अब हम इसको छान लेते हैं। आप छन्नी में छानिए या फिर कपड़े में रख कर इसको निचोड़ लीजिए तो अच्छी तरह से ऑयल निकल आता है। तो गाइज, हमारा ऑयल रेडी है और इसमें रतन जोत का एकदम नेचुरल कलर आया है जो कि हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कलर देखिए, इसका थोड़ा सा कैमरे में येलो लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा रेड कलर है। इसमें हमारे जो सरसों का तेल है उसमें लिनोलिक और ऑलिक एसिड होती है जो सरसों के तेल को एक बेहतरीन हेयर टॉनिक बनाते हैं। अब हम इसमें थोड़ी सी फ्रेग्रेंस डाल देते हैं। तो आपको कोई भी, आपके पास इत्र, सेंट कुछ भी हो तो आप उसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दीजिए। तो अब आपके ऑयल में जो प्याज की खुशबू आती है तो वो नहीं आएगी और आपका तेल तैयार है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार अगर आपके बाल 50 से 70 झड़ते हैं तो कोई बात नहीं, अगर डेली इससे ज़्यादा झड़ते हैं तो आपको हेयर प्रॉब्लम है। तो चलिए इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको मैंने कॉम एप्लीकेटर बॉटल में फिल किया है और जड़ से सिरे तक इसको लगाना है। तो बालों में जो रूसी है या बालों में जो रूखापन है या अपने ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है तो वो दूर होगी। बालों में कंडीशनर भी होगा अच्छी तरह से, और बालों को स्वस्थ रखने के लिए जो भी किया जा सकता है वो सारा ही इसमें है। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपके बाल एकदम ही हेल्दी हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्टर हो जाएगी और साथ में ही जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए।